बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली लाइफ टिप्स फॉर यू। आज एक मरतबा फिर एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम बात करते हैं फेसबुक लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के ऊपर। अगर आपके भी फेसबुक पेज के ऊपर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू है तो आप लोग इसको किस तरह सॉल्व करें, क्योंकि आजकल हर किसी की पेज में यही एक मसला है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। और इसकी वजह से हर किसी का पेज डीमोनेटाइज है, कोई भी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप लोग बहुत आसानी के साथ अपने फेसबुक पेज से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के इशू को रिमूव कर सकते हैं। ये किस तरह ट्रिक है ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप लोगों को हमारे आने वाली इस तरह से वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये किस तरह ट्रिक है। इस ट्रिक में आप लोगों को करना क्या है जिसके जरिए आप लोग बहुत आसानी के साथ अपने फेसबुक पेज से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का जो इशू है इसको रिमूव करें। इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है, अपने पेज से सारे के सारे कंटेंट को डिलीट करना है, चाहे वो ओरिजिनल है या अनओरिजिनल है, सब कुछ आप लोगों ने डिलीट करना है। इसके बाद आप लोगों को करना यह है कि अपने फेसबुक पेज से गेमिंग के वीडियोज़ को लाइव शेयर करना है। किस तरह वीडियोज़ को शेयर करना है और किस तरह आप लोगों ने इसको लाइव शेयर करना है, कौन से एप्लीकेशन को यूज़ करना है, कौन से वेबसाइट को यूज़ करना है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप लोगों को हमारे आने वाली इस तरह से वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। अच्छा, तो सबसे पहले मैं फेसबुक वही पेज आप लोगों को दिखाऊंगा जिसमें लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू है। तो मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करूंगा और क्रोम ब्राउज़र में मैं फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो को सर्च करूंगा। तो मेरे पास क्रोम ब्राउज़र पहले से मैंने लॉगिन किया है। ये देखो, क्रोम ब्राउज़र को मैंने ओपन किया, ये मेरा फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो है। तो इस पेज में लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू है। ये देखो, नीचे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट है, ऊपर मैं आप लोगों को अपना पेजेस दिखाऊंगा। ये देखो, ये डेली पाकिस्तान के नाम पर मेरे पास एक पेज है जिसमें लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू है। तो इसको आप लोग किस तरह सॉल्व करें, ये देखो इस पेज में है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ये देखो वही पेज है डेली पाकिस्तान, नीचे इसमें यही इशू है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। ये इसी वजह से है कि आपने अन ओरिजिनल कंटेंट को शेयर किया है, तो इसी वजह से आपके पेज में लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू है। तो ये जाहिर बात है कि मैंने इस पेज से अन ओरिजिनल कंटेंट को शेयर किया है। अगर आपने शेयर भी नहीं किया लेकिन फिर भी आप लोग इस तरीके से अपने फेसबुक पेज का जो इशू है ये रिमूव कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि अपने फेसबुक पेज से अन ओरिजिनल कंटेंट को किस तरह डिलीट करना है, या ओरिजिनल कंटेंट है, जितने भी कंटेंट है आपके पेज में वो सारे के सारे एक ही वक्त पर डिलीट करना है। लेकिन सबसे पहले मैं फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करूँगा और मैं देखूँगा कि इस पेज में कितना कंटेंट है अन ओरिजिनल या ओरिजिनल। जितने भी कंटेंट मैंने शेयर किया वो सारे के सारे मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैंने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन किया। जैसा कि मैंने फेसबुक को ओपन किया तो साइड के थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। नीचे पेजेस को मैंने ओपन कर दिया। तो मैं अभी वही पेज आप लोगों को दिखाऊंगा डेली पाकिस्तान। ये देखो, इस पेज में तकरीबन 5-6 वीडियोस है जो मैंने शेयर किया है और अन ओरिजिनल कंटेंट है। अगर ओरिजिनल भी है लेकिन मैं इसको डिलीट करूंगा। तो देखो, इसमें ये वीडियोस मौजूद है, तकरीबन 2 वीडियोस है और नीचे फोटोज़ भी है, फोटोज़ भी अन ओरिजिनल है। तो ये सारे के सारे मैं एक ही वक्त पर डिलीट करूँगा। तो वही तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग किस तरह एक ही क्लिक पर सारे के सारे कंटेंट को डिलीट करिए। देखो, ये अन ओरिजिनल कंटेंट है, नीचे ये फोटोज़ भी मौजूद है। तो मैं भी दोबारा क्रिएटर स्टूडियो को ओपन करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह इस पेज से सारे के सारे कंटेंट को एक ही क्लिक पे डिलीट करें। तो मैंने इधर क्रिएटर स्टूडियो को ओपन कर दी। ये देखो, ऊपर मैं होम पर क्लिक करूंगा, साइड पर है होम, इस होम पर मैं क्लिक करूंगा। ये देखो, होम पर जब मैंने क्लिक कर दिया तो इधर नीचे मौजूद है पब्लिश्ड, मैं सिंपली पब्लिश पर क्लिक करूँगा। तो मैंने पब्लिश पर क्लिक कर दिया। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखो, और इधर मेरा जो वीडियोज़ है वो सामने आ गया। तो अभी जितने भी वीडियोस आपके पेज में मौजूद है इनको आप लोग इधर से टिक करें, मार्क करें। मैं भी इसको मार्क करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। तो देखो, मैं इसको जूम करता हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस तरीके से आप लोग इसको, जितने भी वीडियोस आप डिलीट करते हैं इसको आप लोग इधर से मार्क करें। तो ये आप लोग एक ही क्लिक से डिलीट कर सकते हैं। ये देखो, मैंने एक को मार्क कर दिया, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखो, 3 वीडियोज़ है मेरे पेज में और इसने जो तीनों वीडियोज़ है वो मैंने मार्क कर दिया। अभी ऊपर है डिलीट, ये देखो, इस डिलीट कैप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया और ये सारे के सारे वीडियो मैंने एक ही क्लिक पे डिलीट कर दिया। अभी इससे मैं फोटोज़ को किस तरह डिलीट करूँगा, तो साइड पे है फोटोज़, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखो, इस फोटोज़ को आप लोग टिक करें। मैंने फोटोज़ पर क्लिक कर दिया। अभी मेरे पेज में जितने भी फोटोज़ है वो सारे के सारे इधर सामने आ जाएगा। मैं सारे के सारे फोटोज़ को इधर से मार्क करूँगा, ऑल फोटोज़ को मैं मार्क करूँगा। ये देखो, मेरे पेज में सिर्फ एक ही फोटोज़ है। ये देखो, इस फोटो को मैं इधर मार्क करूँगा और फिर नीचे डिलीट का ऑप्शन है, मैं नीचे डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। देखो, मैंने इसको मार्क कर दिया, नीचे है डिलीट, इस डिलीट पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये डिलीट हुआ।
अभी जब आप सारे के सारे कंटेंट को डिलीट करें तो फिर आप लोग गेमिंग के वीडियो किस तरह अपने फेसबुक पेज से लाइव शेयर करें, तो आप लोग अपने फेसबुक पेज से गेमिंग के ओल्ड वीडियो को लाइव शेयर करें। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोग YouTube एप्लीकेशन को ओपन करें। तो मैं YouTube को ओपन करूंगा और YouTube पर मैं ओल्ड गेमिंग वीडियो को सर्च करूंगा। जिस तरह मैं सर्च करता हूं इस तरह आप लोग भी सर्च करें, और जिस तरह मैं लाइव शेयर करूंगा इस तरह आप लोग भी शेयर करें। तो मैंने YouTube को ओपन कर दिया। जैसा कि आप लोग YouTube को ओपन करें तो ऊपर आप लोग सर्च करें गेमिंग के वीडियो। मैं फॉर एग्जांपल सर्च करूंगा फ्री फायर ओल्ड वीडियो, फ्री फायर गेमिंग ओल्ड वीडियो। आप लोग PUBG के गेम के वीडियो को जो है ना ओल्ड वीडियो को सर्च करें, तो मैंने फ्री फायर ओल्ड गेमिंग वीडियो ही मैंने सर्च कर दिया। जिस तरह मैं सर्च करता हूँ, अगर इस तरह आपने सर्च कर दिया तो आपका जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू है वो 100% रिमूव हो जाएगा। तो मैंने इसको सर्च कर दिया। इसको सर्च करने के बाद इधर सारे के सारे जितने भी वीडियोस आ जाएगा इसमें आप लोग ओल्ड वीडियो को तलाश करें। तो पहले नंबर पर जो वीडियो है ये 2 ईयर एगो है। इस वीडियो से मैं लिंक को कॉपी करूँगा, तो साइड के 3 डॉट वाली ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करूँगा। नीचे है शेयर, मैंने शेयर पर क्लिक कर दिया। तो इधर मैंने इस वीडियो से लिंक को कॉपी कर दिया। लिंक को कॉपी करने के बाद अगर आपके पास गो स्ट्रीम एप्लीकेशन मौजूद है तो इसको आप लोग ओपन करें। ये देखो मेरे पास मौजूद है। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप लोग प्ले स्टोर को ओपन करें और गो स्ट्रीम एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। तो मैंने अभी प्ले स्टोर को ओपन किया। जैसे कि आप लोग प्ले स्टोर को ओपन करें, मैं अभी आप लोगों को सिर्फ तरीका बताऊँगा क्योंकि मेरे पास गो स्ट्रीम एप्लीकेशन मौजूद है। तो ऊपर आप लोग सर्च करें गो स्ट्रीम। ये देखो मैंने इधर गो स्ट्रीम को सर्च कर दिया। इस तरीके से आप लोग भी सर्च करें। तो ये एप्लीकेशन है, तकरीबन 16 MB इसका साइज़ है और 500 के डाउनलोड है। ये देखो इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करें। तो मेरे पास पहले से मौजूद है, तो मैं सिंपली इसको ओपन करूँगा। जैसा कि मैंने गो स्ट्रीम एप्लीकेशन को ओपन किया, अगर आप लोग इसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आप लोग सबसे पहले इसको रजिस्टर करें। रजिस्टर किस तरह करें, नीचे मौजूद है साइन अप नाउ। साइन अप नाउ पर आप लोग क्लिक करके इधर आप लोग अपने ईमेल पासवर्ड फिर से पासवर्ड और फिर रिपल कोड को आप लोग खाली छोड़े, फिर नीचे साइनअप पर आप लोग क्लिक करें तो ये रजिस्टर हो जाएगा। तो मेरे पास पहले से रजिस्टर है, तो मैं सिंपली इसको साइन इन करूँगा। इधर मैं अपने ईमेल और पासवर्ड को एंटर करूँगा, नीचे है साइन इन। तो मैंने सिंपली इसको साइन इन कर दिया। साइन इन करने के बाद इधर मेरा जो गो स्ट्रीम एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। तो साइड के प्रोफाइल ऑप्शन है, इस पर आप लोग क्लिक करके अपने फेसबुक अकाउंट को इधर आप लोग इसके साथ लिंक करें। तो इधर है अकाउंट लाइव स्ट्रीम, इस पर आप लोग क्लिक करके, तो मेरा वही अकाउंट पहले से इधर मैंने लिंक किया है। इस फेसबुक अकाउंट में मेरा जो है ना वही पेज है, डेली पाकिस्तान पेज इस अकाउंट में है। तो आप लोग इस फेसबुक पर क्लिक करके अपने अकाउंट इधर से लॉग इन करें। तो मेरा पहले से इधर इसके साथ लिंक है। तो मैं सिंपल इसको बैक करूँगा और दोबारा होम को ओपन करूँगा। तो आप लोग भी इसको जो है ना होम पर क्लिक करके ऊपर है ऑटोमेटिक लाइव स्ट्रीम, इस पर मैं क्लिक करूँगा और अपने वीडियो को लाइव स्टार्ट करूँगा। तो जैसा कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो नीचे मौजूद है लाइव टुडे 021, लाइव नाउ 01। ये प्री वर्जन है। प्री वर्जन में आप लोग दिन में सिर्फ एक ही लाइव वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसा करें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मौजूद है कि आप लोग किस तरह अनलिमिटेड वीडियोस को फ्री वर्जन से जो है ना आप लोग शेयर करें। तो इस डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके वहाँ पर जो वीडियो है वो आप लोग देखें, तो फिर आप लोग दिन में फ्री वर्जन से भी अनलिमिटेड वीडियोस को चाहे जितने आप चाहते इतना वीडियोज़ आप लोग इससे शेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं सिंपली प्राम लिंक वीडियो पर क्लिक करूँगा और इधर मैं जो लिंक मैंने कॉपी किया है वही लिंक मैं इधर पेस्ट करूँगा। तो आप लोग भी प्राम लिंक वीडियो पर क्लिक करके वही लिंक इधर आप लोग पेस्ट करें और फिर साइड पर है एड, आप लोग एड पर क्लिक करें। जैसे कि आप लोग ऐड पर क्लिक करें तो फिर नीचे है नेक्स्ट, आप लोग सिंपल इसको नेक्स्ट करिए। अभी ये ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। ये देखो नेक्स्ट पर आप लोग क्लिक करें, फिर से आप लोग नेक्स्ट करें। ये सारे जितने भी स्टेप्स है इसको आप लोग नेक्स्ट पर कुछ भी नहीं करना आप लोगों को इधर। फिर इधर है ऐड डेस्टिनेशन, इस पर आप लोग क्लिक करें। जब आप लोग डेस्टिनेशन पर क्लिक करें तो इधर आप लोग देखो ऊपर आपका अकाउंट है। अगर आपके पास 2 अकाउंट मौजूद है तो फिर आप लोग सबसे पहले अपने अकाउंट को इधर से ऐड करें। तो मेरे पास सिर्फ एक अकाउंट है अलीशा, ये मैंने इधर से ऐड कर दिया। फिर नीचे है प्रोफाइल, इस प्रोफाइल पर आप लोग क्लिक करके अपने वही पेज को इधर से ऐड करें। तो देखो मैं डेली पाकिस्तान को इधर सेलेक्ट करूँगा, तो मैंने अपने पेज को इधर से ऐड कर दिया। फिर नीचे है टाइटल, तो टाइटल में आप लोग अपने वीडियो के लिए टाइटल को ऐड करें। तो मैं इधर ऐड करूँगा माई प्रिपायर गेम वीडियो, इसी तरह टाइटल मैंने इधर से ऐड कर दिया। जब आप लोग इसको एक मरतबा टाइटल को ऐड करें तो फिर आप लोग इस टाइटल को इधर से कॉपी करें। नीचे है नोट्स, नोट्स में इसको पेस्ट करें। तो मैं इस टाइटल को इधर से कॉपी करूँगा, नीचे मौजूद है नोट, नोट में मैं इस जो है ना इस टाइटल को पेस्ट करूँगा। ये देखो मैंने इसको नोट में पेस्ट कर दिया। इसको पेस्ट करने के बाद नीचे है ऐड स्ट्रीम, आप लोग सिंपल ऐड स्ट्रीम पर क्लिक करें। जैसे कि आप इस स्ट्रीम पर क्लिक करें तो फिर आप लोग इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद इधर इस तरह इंटरफेस आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाएगा। पारपरी प्लेन, अगर आप लोगों ने कभी देखा है गो स्ट्रीम के वीडियोस पर अपना एक लेबल होता है, अपने एक वाटरमार्क होता है, सुर्ख कलर के जो है ना राइटिंग होता है। अगर आप इसको अपने वीडियोज़ पर
चाहते तो फिर आप लोग स्केप करें, अगर नहीं चाहते तो फिर आप लोग एग्री पर क्लिक करके 15 सेकंड का जो एड्स है इसको आप लोग देखें तो फिर आपके वीडियो पर, आपके वीडियो के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तो मैं एग्री पर क्लिक करूंगा और जो 15 सेकंड एड्स है इसको मैं देखूंगा। तो मैंने एग्री पर क्लिक कर दिया, आप लोग भी एग्री पर क्लिक करें और ऊपर क्रास पर फिर आप लोग क्लिक करें। तो मैंने क्रास पर क्लिक कर दिया, मैंने 15 सेकंड इसको देखा, फिर इधर मेरा जो वीडियो है वो स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेसिंग में होगा, ये देखो अब इधर स्क्रीन पर प्रोसेसिंग आ जाएगा, ये देखो अब ऊपर आ जाएगा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होने के बाद इधर स्ट्रीमिंग आ जाएगा, तो अब ये देखो स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुआ। स्ट्रीमिंग जब आपके मोबाइल पर आ जाए तो आपका वीडियो फिर जो है ना पेज में स्टार्ट है। तो मैं भी फेसबुक पेज को ओपन करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे पेज में गेमिंग का जो वीडियो है वो लाइव स्टार्ट है या स्टार्ट नहीं है। तो देखो मैंने फेसबुक को ओपन कर दिया, साइड के 3 लाइन वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा और अपना वही पेज दिखाऊंगा जिसमें मैंने वीडियोज को शेयर किया, डेली पाकिस्तान। ये देखो डेली पाकिस्तान को मैंने ओपन कर दिया, इस पेज में जो वीडियो मैंने शेयर किया है वो अभी लाइव स्टार्ट है। ये देखो ऊपर आप लोगों ने देखा, नीचे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये देखो माई फ्री फायर गेमिंग, ये देखो डेली पाकिस्तान इज लाइव नाउ, ये आप लोग देख सकते हैं इसमें 2-3 फोटोज भी मौजूद है। ये देखो डेली पाकिस्तान इज लाइव नाउ माई फ्री फायर गेम वीडियो, इस पर मैं क्लिक करूंगा और इस वीडियो को मैं प्ले करूंगा। ये देखो ऊपर सिर्फ एक बंदा इसको देख रहा है जो मैं हूँ। अभी इस वीडियो जब आप लोग इस वीडियो को शेयर करें अपने फेसबुक पेज में तो फिर आप लोगों को करना क्या है, तकरीबन 15 से लेकर 20 दिन तक आप लोगों ने अपने फेसबुक पेज से गेमिंग के ओल्ड वीडियो को लाइव शेयर करना है। जब आप लोग 20 वीडियोस को कंप्लीट करें तो फिर आपके जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी आप कंटेंट का इशू है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिकली सॉल्व नहीं होगा तो फिर आप लोगों ने अपील करना है और अपील के बाद 2-3 दिनों के अंदर अंदर आपके फेसबुक पेज का जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी आप कंटेंट का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। जब आप 20 दिन इस वीडियोज़ को मुसलसल आप लोग शेयर करें तो फिर आप लोग अपने क्रिएटर स्टूडियो को ओपन करें। देखो मैंने इधर क्रिएटर स्टूडियो को ओपन कर दिया, मैं सिर्फ आप लोगों को तरीका बताऊंगा क्योंकि मेरे पेज का तो 20 दिन पूरा नहीं है, मैंने सिर्फ एक ही वीडियो को शेयर किया है। तो मैंने इधर पॉलिस इशू को ओपन किया, इधर नीचे मौजूद है लिमिटेड ओरिजिनलिटी आप कंटेंट के नीचे है लर्न मोर का ऑप्शन, आप लोग सिंपली लर्न मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके और इसको अपील सेंड करना है। लेकिन अपील से पहले आप लोग 20 वीडियोस को कंप्लीट करें, ओल्ड वीडियो को आप लोग कंप्लीट करें। तो जब आप लोग 20 वीडियो को कंप्लीट करें तो इसके बाद नीचे है लर्न मोर का ऑप्शन, आप लोग सिंपली लर्न मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे जो टेक का ऑप्शन है इसको टेक करें। जब आप लोग इसको टेक करें तो फिर इधर है रिक्वेस्ट सबमिट, इस पर आप लोग क्लिक करें और इसको आप लोग इधर से डन करें। तो 20 वीडियोस को अपलोड करने के बाद आप लोग इस रिक्वेस्ट को सबमिट करें तो आपका जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू है वो 100% रिमूव हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आपके फेसबुक पेज से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू रिमूव नहीं हुआ तो फिर आप लोग इस वीडियो पर कमेंट्स करें, मैं आप लोगों को जरूर जवाब दूंगा और आपका ये मसला मैं जरूर सॉल्व करूंगा। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, मेरे फेसबुक अकाउंट का लिंक है, मेरे फेसबुक पेज का लिंक है, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे मैसेज करें तो मैं आप लोगों को जरूर जवाब दूंगा और आपका मसला मैं खुद सॉल्व करूंगा। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप लोगों को हमारे आने वाली इस तरह से वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।